अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ माजिद शहाब और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट जो है वो क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या है और इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या जिनके कोई कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है। सो देखते हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या है। फंडामेंटल्स बेसिकली हमारे पास हैं बेसिक्स, किस चीज़ के बेसिक्स की बात हो रही है, प्रोग्रामिंग की। नाउ व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों करते हैं हम लोग और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। सो अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है बेसिकली एक मशीन है। ये मशीन जो है आपके लिए बनाई गई है ताकि आपका काम जो है वो आसान हो सके, आप इससे काम ले सकें। और ये इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही फास्ट मशीन है, बहुत ही फास्ट डिवाइस है, यानी हमसे काफ़ी ज़्यादा फास्टली काम कर सकता है। तो अच्छा ये होगा कि हम इससे अपना काम लें। नाउ ये जो काम करता है, ये बेसिकली करता है काम इंस्ट्रक्शंस पर। नाउ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं बेसिकली? इंस्ट्रक्शंस बेसिकली ये हैं कि आप कंप्यूटर को कह रहे हैं कि कुछ हमारे लिए ऐड कर दो, कुछ हमारे लिए डिलीट कर दो, कुछ हमारे लिए ओपन कर दो, कुछ हमारे लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो। कुछ भी हो सकता है जो आप कंप्यूटर में करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, कोई चीज़ कैलकुलेशन कर लेते हैं लाइक इन एक्सेल एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है आपके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के सेट को बेसिकली कहते हैं प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम, यानी एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, दैट होल थिंग इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली प्रोग्राम्स पर चलता है। इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए और उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से बात करना चाह रहे हैं तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आना चाह रहा हूँ एंड दैट इज़ बेसिकली सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पे एक मैंने कॉन्सेप्ट ले आया कि जब आप लोग बात करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से, तो एक बंदा बन जाता है सेंडर और एक बन जाता है रिसीवर। इन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियम, कम्युनिकेशन का मीडियम, यानी आप किस तरीके से अपनी जो बात है वो अगले को पहुंचाना चाह रहे हैं। इस चीज़ के बीच में यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो चीज़ आएगी उसको हम बोलेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज वो मीडियम है, वो मैकेनिज़म है जिसके बेस पर आप अपनी बात को समझा सकते हैं अगले बंदे को। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग किसी बंदे से बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ से, डैट इज़ बेसिकली एक्चुअली कंप्यूटर मशीन, हम बात कर रहे हैं मशीन से। तो ये मशीन कहती है कि अगर आपने मुझसे बात करनी है तो मुझसे मेरी लैंग्वेज में बात कीजिए। और इसकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो आती है ज़ीरो या वन फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या हम इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, सो अगर आपने कंप्यूटर से बात करनी है तो आपने एक्चुअली में मशीन लैंग्वेज को सीखना होगा। सो हम बेसिकली बनाएंगे प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स बनते हैं लैंग्वेज में, और हम लोग प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से काम ले सकें। सो बेसिकली आप ये पर्सन हैं और आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, डैट इज़ बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड, और वो कोड जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंड करने वाला है। तो यहाँ पर दो बंदे आ चुके हैं, एक है दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक है कंप्यूटर सिस्टम और एक है बेसिकली पर्सन, आप एज अ कोडर। आप लोग कोड लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, राइट करेंगे, कंप्यूटर उसके पास ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के पास जाएगी और कंप्यूटर जो है आपका डिज़ायर्ड जो भी आप चाह रहे हैं उससे वो आपके लिए परफॉर्म करने वाला है। सो सिंपल सेंडर एंड रिसीवर ये कॉन्सेप्ट है, और इनके बीच में जो चीज़ आएगी दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड मीडियम। मीडियम, और मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम ज़रिया को कहते हैं, और हमारा जो ज़रिया होगा वो कहलाएगा लैंग्वेज। ठीक है, और ये लैंग्वेज हम लोग क्यों करने वाले हैं? ताकि हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे सकें कंप्यूटर को कि आप हमारे लिए काम परफॉर्म करो, कोई भी काम हो सकता है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोग्राम्स। तो अभी तक की डिस्कशन से सिर्फ हमें ये पता लगा कि अगर आप लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो आप लोगों ने बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लिखनी हैं, प्रोग्राम्स लिखने हैं, और इन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए बेसिकली आपको एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, आप यहाँ पे कुछ नाम देख रहे हैं लाइक वी हैव जावा, वी हैव पाइथन, C++ एंड सो ऑन। हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनकी बेस पर हम लोग ये प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अगर आप कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी और उसकी बेस पर आप लोगों ने बेसिकली प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप करने होंगे। ओके जी, थर्ड नंबर पे जो मैंने एक्चुअली अभी आपको समझाया सेंडर एंड रिसीवर, वो बेसिकली ये था कि अगर दो बंदे आपस में बात करना चाहते हैं तो उनके लिए बीच में आएगी लैंग्वेज। अगर आप सिस्टम से बात करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप और आपके सिस्टम के बीच में आने वाली है एक लैंग्वेज। हमारे केस में जो लैंग्वेज होगी वो बेसिकली होगी C++। लेकिन लैंग्वेजेस की टाइप्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास लैंग्वेजेस की टाइप्स हैं ना, वो क्या हो सकती हैं? हमारे पास हो सकती हैं नेचुरल लैंग्वेजेस, ठीक है। इनमें क्या क्या आ सकता है? लाइक इंग्लिश, ठीक है। हमारे पास आ सकता है इसमें उर्दू लैंग्वेज एंड सो ऑन। तो हमारे पास लैंग्वेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक आ रहा है आपके पास नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, और जो दूसरी टाइप आ रही है वो है बेसिकली आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज, अब ये जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है ये क्या है और नेचुरल लैंग्वेज क्या है वो देखते हैं जरा सा। हम जब भी आते हैं स्कूल में तो हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, हम लोग उसकी बेसिक्स सीखते हैं। बेसिक्स में इंग्लिश में क्या सीखते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, लाइक ABCD एंड सो ऑन। उन अल्फ़ाबेट्स को समझने के बाद हम लोग उनको इकट्ठा करना सीखते हैं कि दो अल्फ़ाबेट्स को हम मिला दें तो क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे मिलाता हूँ H और I को तो बनेगा हाई। हाई एक वर्ड है और उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। फिर हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, फिर हम लोग पैराग्राफ बनाना सीखते हैं एंड सो ऑन। तो हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज को सीखने का कोई ना कोई तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं। हमें इंग्लिश लैंग्वेज पता है, हमें उर्दू लैंग्वेज पता है एंड सो ऑन, लेकिन ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो वो कहता है कि आपने इस चीज़ को सीखना होगा, डेट इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल लैंग्वेज। इसमें भी बहुत सी टाइप्स हैं। कैसी हैं? एक मैंने आपको बताया मशीन, एक है मशीन लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लो लेवल। अब इसको लो लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो चलती है 0 पे या 1 पर। मैं एक पिक्चर ले आता हूँ आपके सामने। ये है बेसिकली मशीन लैंग्वेज की एक फॉर्म। अगर आप देखें इसको तो ये सारे के सारे 0-1 है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये है सारा 0-1। तो ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है, कंप्यूटर के लिए बहुत इजी है, और इसीलिए इसको कहा जाता है इट्स अ लो लेवल। व्हाई? बिकॉज ये बहुत ही लो लेवल पे कंप्यूटर के करीब है और कंप्यूटर इसको वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। नाउ इसको हमें अंडरस्टैंड करना हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0-1 ही ओनली चॉइसेस हैं। 0-111, 0-10, 0-111, 0-111, 0 एंड सो ऑन। इस चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को राइट करना भी बहुत मुश्किल है, इवन कि इसको रीड करना भी मुश्किल है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने जीरोस हैं, कितने वंस हैं। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। इसके जो डेवलपर हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। शुरू शुरू में इसमें जब काम होता था तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, लोग भूलते थे, लोगों से एरर्स होते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इशू क्या था कि कंप्यूटर इस चीज़ को समझता है, इट्स कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो इस मशीन लैंग्वेज के बाद, जिसको हम लोग लो लेवल कहते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आया है और वो है असेंबली, असेंबली लैंग्वेज। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको शायद पढ़ा भी हो, कुछ स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। असेंबली लैंग्वेज क्या है? वो बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपके मुख्तलिफ 0-1-1, 0-1 एक चीज़ को, मतलब ये एक बेसिकली इंस्ट्रक्शन है जो कि इस फॉर्म में लिखी गई है, इसका कोई मतलब है तो इसको एक नाम दे दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0-0-111, 0-1-0 जहाँ आएगा उसका मतलब होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करना, डेटा को ऐड करना, उसके ऊपर एडिशंस परफॉर्म करना। एक होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 001, हो सकता है इसका मतलब हो कि ये डेटा को मूव करने के लिए यूटिलाइज हो सकता है एंड सो ऑन। तो अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस पूरी चीज़ में ये जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, दो बातें आपके सामने लिखी गई हैं, कौन सा ज़्यादा आसान है पढ़ना और समझना और याद रखना, आप डेफिनेटली कहेंगे कि ये राइट पे जो लिखा हुआ है ऐड, इससे हमें समझ आ रही है कि इसका मतलब क्या हो सकता है।
ये जो चीज़ है ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ये आपको भूल जाएगा कि इसका कितने ज़ीरो थे, कहाँ पर ज़ीरो लिखना था, कहाँ पे वन लिखना था, और इसका एक्चुअली मतलब है ऐड। तो सभी लैंग्वेज में आपकी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को, इस तरह के कोड को नाम दे दिया गया था, और वो नाम याद करना जो था वो ज़रा ईजी था ह्यूमन बींग के लिए। लेकिन इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, एंड दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या चीज़ थी? हाई लेवल लैंग्वेज में ये हुआ कि लोगों ने पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर एज। अब कंप्यूटर को नहीं समझ आ रही कि व्हाट इज मीन बाय एंटर योर एज, लेकिन ह्यूमन बीइंग अगर इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं तो सबको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है, आपसे क्या मांगा जा रहा है बाय कंप्यूटर। तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया, आप किसी बैंक में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, वो लिखा हुआ होता है इंटर योर अकाउंट नंबर, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर नेम एंड सो ऑन, वो सारी की सारी बातें सबको समझ आ सकती हैं। आप लोग वेबसाइट पे जो देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है कि आपसे कहा जाता है यूज़र नेम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, पासवर्ड लिखें, रीडेबल है, समझ आ जाता है। ये चीज़ जो है ये इंसानों के ज़्यादा करीब है, इंसान इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसानों के करीब है लेकिन कंप्यूटर से दूर है। या एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि इंसान तो इस चीज़ को समझ रहा है, इंसान इस चीज़ में कोड भी लिख लेगा, लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझता, क्योंकि वो सिर्फ समझता है जीरो वन पर। नाउ एक्चुअली में अब क्या इश्यू हो गया वो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसको कन्वर्ट होना है इनटू बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मीन्स जीरो वन फॉर्म, मैं लिख देता हूँ, इसको कन्वर्ट होना है इनटू जीरो वन फॉर्म। तो यहां पर आपके सामने दो चीजें हैं, एक है ये जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, सो एक है आपके पास एंटर योर एज, और इसको एक्चुअली में कन्वर्ट होना है इनटू दिस फॉर्म दैट इज एक्चुअली अ बाइनरी फॉर्म। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी? आप लोगों ने सारा कोड लिखा हुआ है इंग्लिश में, कंप्यूटर समझता है जीरो वन फॉर्म को, आप लोग जीरो वन फॉर्म नहीं समझते, इसलिए आप लोगों ने कोड लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में। दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड एक्चुअली अ हाई लेवल लैंग्वेज, और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो आपको हाई लेवल में मिलती हैं। एक डायग्राम मैं ले आता हूँ, इसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये क्या है। ऊपर मैंने कुछ नाम बताए थे आपको, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एंड सो ऑन, ये सारी की सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि इस तरह के सिचुएशन में लिखा जाता है कोड, और उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू जीरो वन फॉर्म। इसकी कन्वर्जन के लिए एक चीज आएगी और जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ये कौन आ गया? ये बेसिकली बीच में आ जाएगा और कहेगा ठीक है, हमें कहेगा कि आप लोग ऐसा ह्यूमन बीइंग अपनी आसानी वाली लैंग्वेज में, इजी वाली लैंग्वेज में कोड लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, मैं इसको ले लूंगा और उसको कन्वर्ट कर दूंगा उस फॉर्म में जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। सो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सो क्या है, कोड लिखा गया इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट होगा बाय ट्रांसलेटर, किस में ट्रांसलेट होगा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। सो आपका कोड ट्रांसलेटर लेगा, उसकी ट्रांसलेशन करेगा इनटू बाइनरी फॉर्म ताकि आप जो भी करना चाह रहे हैं वो कंप्यूटर को समझ आ जाए। नाउ ये जो चीज़ है इस पे बेसिकली दो पॉइंट्स आ गए हैं, पहला ये जो है ये चीज़, और दूसरी है ये जीरो वन फॉर्म। ये जो टॉप पे है इसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, ये हमारा सोर्स प्रोग्राम है, ये हमारा सोर्स है बेसिकली। मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, ओके जी, इसको रेड कलर दे देते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये क्या है। इट्स अ सोर्स प्रोग्राम, मतलब वो प्रोग्राम जो एज अ प्रोग्रामर आपने लिखा है कंप्यूटर को समझाने के लिए कि आप उससे क्या चाहते हैं। इस चीज़ की कन्वर्जन होगी बाय अ थिंग कॉल्ड ट्रांसलेटर, ठीक है, इसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, और जिस फॉर्म में इसकी कन्वर्जन होगी उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड, नाउ सोर्स कोड है और ऑब्जेक्ट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड कौन सा है जो मशीन समझेगी, सोर्स कोड कौन सा होगा जो कि आपका यूजर समझेगा जो उसमें लिख रहा होगा। सोर्स कोड को कन्वर्ट करना इनटू ऑब्जेक्ट कोड ये किसका काम है? आपके लैंग्वेज के ट्रांसलेटर का।
लैंग्वेज के जो ट्रांसलेटर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हमारे पास हो सकता है कंपाइलर। ये जो कंपाइलर है ये हमारा ट्रांसलेटर है। नाउ कंपाइलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज के साथ मिल जाएगा। आप लोग अपनी लैंग्वेज में कोड करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, और इसको मैं एक खास कलर दे देता हूँ, इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन भी दे देते हैं, ठीक है जी, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो कंपाइलर यहाँ पे मैं ले आता हूँ, ये ट्रांसलेटर की जगह पे ये है हमारा वो बंदा जो कि कन्वर्जन परफॉर्म करेगा हाई लेवल को लो लेवल में करने के लिए, ताकि आपकी बात कंप्यूटर को समझ आ जाए। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, एक डायग्राम मैंने लिखी हुई है, बनाई हुई है, लाइव इंटरनेट से लाया हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज यानी आपने अपनी लैंग्वेज में कोड लिखा, वो कोड किसकी तरफ जा रहा है, एक सॉफ्टवेयर की तरफ जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, जिसमें इसका नाम है कंपाइलर, और फिर वो कन्वर्ट हो रहा है इंटू लो लेवल लैंग्वेज, यानी वो कंप्यूटर की 01 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपाइलेशन, कंपाइल करना, ठीक है, ट्रांसलेट करना। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कंपाइलर। नाउ अगर मैं कंपाइलर की बात करूं, तो कंपाइलर कैसे काम करते हैं वो भी देख लें, सिंपल सा आपको करके बताता हूँ। आप लोग लिखोगे कोड, ठीक है, आप लोगों ने लिखा कोड अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। वो जो कोड है वो एक लाइन हो सकती है, दो लाइनें हो सकती हैं, तीन लाइनें हो सकती हैं, काफ़ी लाइंस हो सकती हैं, समझे आप। ये पूरा बॉक्स जो मैंने बनाया ये आपका लाइन ऑफ कोड है, जिसमें 10 या 20 या 30 जितनी भी लाइंस हैं सब हैं। जब आप लोग लिख लेंगे तो आप उसके बाद कंपाइलर को कहेंगे कि आप ये कोड हमसे लो और इसको रीड करो और इसको देखो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हमने गलती तो नहीं की, कोई हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर सब कुछ ठीक होगा तो कंपाइलर रिपोर्ट जनरेट करेगा कि ओके सब कुछ ठीक है, और अगर कोई गलती होगी तो वो कहेगा कि सॉरी इसमें ये एरर्स हैं। एक बात का ख्याल रखिए, कंपाइलर आपके कोड को पढ़ता है एज अ होल, यानी वो कंप्लीट पढ़ेगा, कंप्लीट कोड को स्टडी करेगा, देखेगा सारी लाइंस को, और आखिर में आपको रिपोर्ट देगा कि आपका कोड जो है वो ओके है या उसमें कोई एरर है। ठीक हो गया, आपने कोड लिखा, ज़रूरी तो नहीं आपका सारा कोड ठीक हो, उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज रूल्स आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। आपका कंपाइलर उसको चेक करेगा, अगर सब कुछ ठीक होगा तो आपको कहेगा वेल एंड गुड, आपका कोड सही है, आप इसको रन कर सकते हैं, या फिर आपको परफॉर्म कहेगा कि आपके कोड में कुछ एरर है। हमारे पास एक और भी होता है ट्रांसलेटर, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये भी एक ट्रांसलेटर ही है, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस है, ये ऐसा होल नहीं काम परफॉर्म करता, ऐसा होल नहीं करता, बल्कि ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। ये है आपका इंटरप्रेटर। कुछ लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर आते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में आपके कंपाइलर्स आते हैं, बट जो भी आता है वो आपको लैंग्वेज के साथ ही मिल जाएगा, ठीक है जी। सो इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर, कैसे काम करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, जहाँ प्रॉब्लम होती है आपको इन्फॉर्म कर देता है। कंपाइलर कैसे काम करता है, वो पूरे कोड को स्टडी करता है, कोई इशू होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देगा। दोनों का काम एक ही तरह है, लेकिन एक लाइन बाय लाइन कर रहा है और दूसरा जो है वो एज अ होल आपके कोड को परफॉर्म कर रहा है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं ब्रीफली आपको एंड में बता भी दूंगा पूरा लेक्चर समरी फॉर्म में कि हमने आज क्या पढ़ा है। अभी मैं एक और पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज से रिलेटेड, और वो पॉइंट है ये एरर्स। इसको हम कर देते हैं ब्लू फॉर्म में, ब्लू कलर में। एरर, एरर क्या है? देखिए मैंने आपसे कहा कि कंपाइलर चेक करता है आपके कोड को, ठीक है, उसमें कुछ एरर होगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। नाउ ये एरर की जो बात है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे वो देखते हैं। एरर्स जो हैं बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अक्सर आते हैं, और आप जब एज अ इनिशियल स्टूडेंट जब काम करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर पे, तो आपसे बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल कैसे वो देखिए, मैं एक डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ कंप्यूटर को, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसे इंस्ट्रक्शन दूँ कि आप यूज़र को शो करो एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, इस स्टेटमेंट को राइट करने के लिए बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो बहुत से ऑप्शंस देती हैं। फॉर एग्जांपल एक कोड है,
एक कमांड है प्रिंट, इसमें आप जो भी लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट करो क्या, इंटर नेम। अब ये जो प्रिंट है ये कमांड है और वो क्या प्रिंट करवा रही है, इंटर नेम। आपका कंपाइलर चेक करेगा कि आपने इस ये जो प्रिंट है इसके स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने डबल कोट वोट किए हुए हैं या नहीं किए हुए। ये जो चीज़ें हैं ये एक ख़ास किस्म का एरर हो सकता है, मतलब इसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट की बजाय PRIN लिख दिए, स्पेलिंग गलत कर दिए, डैट इज़ अ टाइप ऑफ एरर, ये एक एरर हो सकता है और इस एरर को हम बोलेंगे इट्स अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स बेसिकली आपकी लैंग्वेज में जो रूल्स हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज में रूल होगा कि आपने प्रिंट करवानी है कोई कमांड, कुछ डेटा प्रिंट करवाना है, कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम आपको कमांड देते हैं डेट इज़ प्रिंट। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपको एरर आएगा, वो एरर कहलाएगा सिंटैक्स एरर। एक और एग्जांपल सुन लें, इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेजेस में जब आप कोई सेंटेंस फिनिश करते हैं तो आप फुल स्टॉप पुट करते हैं। हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फुल स्टॉप होता है अक्सर लैंग्वेजेस में, वो ये होता है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। अब लैंग्वेज एक्सपेक्ट करती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली करें। रूल क्या है कि सेमी कॉलन पुट करना है आफ्टर एवरी स्टेटमेंट, तो आपने अगर एक स्टेटमेंट लिख दी और सेमी कॉलन नहीं लिखा तो इट मीन्स कि आपसे कुछ गलती हुई है, एंड दैट विल बी योर सिंटैक्स एरर। ठीक है, इस तरह के बहुत से एरर्स आगे भी आएंगे, तो कंपाइलर इस एरर को पढ़ लेगा कि जी इधर तो कोई प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करें ताकि हम आगे जा सकें। दूसरा एरर भी हो सकता है, वो क्या है कि आपका सिंटैक्स ओके है, आप तो सारा काम ठीक लिखा है, लेकिन जब आप उस कोड को रन करेंगे यानी चलाएंगे एग्जीक्यूट करेंगे, उस टाइम एक एरर आ रहा है। रन टाइम पे जब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, चलाना है, कंपाइलर ने आपको कह दिया कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, इसका आउटपुट देख सकते हैं, उस टाइम एक एरर आ रहा है। वो कैसा हो सकता है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया कि दो नंबर्स को डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल 2 / 2, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्यूटर आपको आंसर दे देगा। आप करते हैं 4 / 2, कोई इशू नहीं है, आपको आंसर आएगा, सब रन हो रहे हैं, सब सही काम कर रहे हैं। एक आपने लिखा 10 / 5, डैट इज़ ऑल्सो राइट, ये भी आपको आंसर दे देगा जो भी होगा। लेकिन एक बंदे ने ये वैल्यू लिखी है 11 / 0। अब ये जो काम आपने किया है जिसको मैं भी हाईलाइट करता हूं, ये वाला, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो आपने लिख दिया 11/0, अगर कंपाइलर इस चीज को पढ़ेगा ना तो वो कहेगा ये तो ठीक है, क्यों, क्योंकि 11 एक नंबर है, डिवाइड एक साइन भी ठीक किया हुआ है आपने, 0 दैट इज ऑल्सो अ नंबर, वो कहेगा ओके है। लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो कंप्यूटर इस चीज में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इससे आता है इन्फिनिटी, आपको पता भी है डिवाइड बाय ज़ीरो होता है, तो वो कंप्यूटर मशीन जो है वो इसको चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती और वो एक एरर जनरेट करती है। ये एरर जो है सिंटैक्स एरर नहीं है, ये एरर तब आया जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा था, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि इस किस्म के अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना होगा। इसको बेसिकली एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं, जो हम आगे देख लेंगे, लेकिन ये भी एक एरर हो सकता है। और एरर्स क्या हो सकते हैं, एक एरर हो सकता है लॉजिक एरर। व्हाट इज मीन बाय लॉजिक एरर, लॉजिक कहते हैं थिंकिंग को, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, आप प्रोग्राम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये लेके आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि 2 + 2, मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर इसको परफॉर्म करे, तो हमें पता है कि क्या आंसर आ सकता है, डेट इज 4, लेकिन आंसर आ रहा है लेट्स सपोज 3। अगर आप नोटिस करें कंपाइलर के लिए 2 + 2 = 3 सब ठीक जा रहा है, नंबर्स ठीक हैं, लेकिन अगर आप अपने माइंड में देखते हैं तो ये चीज़ एक एरर हो सकती है, डेट इज़ जो आप अज्यूम कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो एरर, वो चीज़ नहीं आ रही, कुछ और आंसर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 2 × 2 और आंसर मुझे आ रहा है लेट्स सपोज 10, अब ये भी एक एरर है। अब इसको बोलते हैं लॉजिक एरर, मतलब जो यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो चीज़ जनरेट नहीं हो रही, सिस्टम वो जनरेट नहीं कर रहा। अब ये जो है ये गलती क्या है, गलती देखा जाए तो वैसे कोड वाइज गलती नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे लेट सपोज यहाँ पे प्लस साइन कर दें फॉर एग्जांपल, और आपका आंसर जनरेट होना चाहिए 4,
ठीक है, सो 2 + 2 = 4, लेकिन आपका आंसर जनरेट हो रहा है लेट्स सपोज 10, तो ये गलती है, दैट इज कॉल्ड एरर, एंड दैट एरर इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। यानी कोड तो ठीक है सेंटेक्स वाइज, लेकिन जब आप आंसर गेट करेंगे तो वो आंसर नहीं होगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन में हो सकता है। सो हमने देखा है कि हमारी जो, थोड़ा सा अपवर्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। इसमें मैंने आपको सिर्फ ब्रीफली बताया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, उनको किस लिए यूज़ होती हैं। कंप्यूटर से काम लेना है तो आपने किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना होगा। हमारी जो लैंग्वेज है वो है C++, जिसके बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो क्या है। लैंग्वेज जो है एक मीडियम हो सकता है बिटवीन यू एंड योर सिस्टम, ठीक है, आपका सिस्टम और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन का जरिया हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज की टाइप्स हैं आपके पास, नेचुरल लैंग्वेज हो सकती है आपके पास, ठीक है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। हम लोगों का फोकस जो है वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज पे। हमारे पास है मशीन लैंग्वेजेस, हमारे पास है असेंबली लैंग्वेजेस, हमारे पास है सोर्स प्रोग्राम्स, हमारे पास है बाइनरी फॉर्म, ठीक है। तो हमने बहुत कुछ अभी जो देखा है, आप लोगों ने इस पूरे लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करना है, एक आइडिया लेना है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है। अगर आप इमेजेस वाइज जाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे इमेजेस रखी हैं अपने पॉइंट्स की। हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर सिस्टम से। आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर कोड करोगे, प्रोग्राम लिखोगे और वो आपके सिस्टम में जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। कम्युनिकेशन करनी है तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूटिलाइज करनी होगी। कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी को, जीरो वन को, हम वो नहीं समझते, तो हम लोग किस चीज़ को ले आते हैं बीच में, ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर जो है वो एक कंपाइलर हो सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है, और इनका काम है कि प्रोग्राम को कन्वर्ट करना फ्रॉम योर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इंटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ठीक है। सो हमने इसके बारे में देखा, एंड थोड़ा सा हमने देखा कि एरर्स क्या हो सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि इस लेक्चर के बारे में मुझे नीचे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि सर हमें कौन सा पॉइंट ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, या कौन सा पॉइंट है जो कि हमें ज़्यादा अच्छा समझ आया है। अगर आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ और आपको, आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लूँगा बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, नीचे कमेंट्स में लिखते जाइए और मुझे बताते जाइए, मैं हर एक को इंडिविजुअली आंसर दूंगा और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।